कम से कम मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पर किसी को दिखता ही नहीं है। आज हेमा मालिनी जी आने वाली थी तो पानी भी आ गया, हेमा मालिनी जी आने वाली थी सुबह 8 बजे टैंकर भी आ गए। हाँ, इतने दिन से हम पानी के लिए इधर उधर 17 दिन से भटक रहे हैं हम। ये मैं यहाँ पर आई हूँ जहाँ पे टैंक गिर गया, बड़ा अफसोस हुआ यहाँ का जनता को, इतनी तकलीफ हुई इधर, और बहुत शॉक लगा कि यहाँ पे इस हादसे में 3 लोगों का डेथ भी हो गया है, 2 महिलाएं और एक आदमी और बच्चे भी। तो बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा हो गया, लेकिन मुझे ये सोच के बड़ा हैरान मैं हो रही हूँ कि 2 साल पहले बनाया हुआ ये टांकी इतना जल्दी कैसे टूट सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि एक दो लोगों ने ये कहा कि वो पहले से कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, और इतना बड़ा टैंक नहीं मांग रहे थे, बाउंडेड स्मॉल, बट इतना बड़ा बनाया तो अभी देखा तो उसका प्रॉपर सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, एक एक पिलर में ना, वो वैसा तो नहीं लग रहा है। तो बहुत ही सस्ते में उन लोगों ने सोच के बनाया है, विच इज वेरी बैड। तो मैं इसको बिल्कुल प्रोटेस्ट करती हूँ, आई डोंट लाइक इट व्हाट दे डिड। और ये कहीं और बनने वाला था, मानस नगर में बनने वाला था, तो इसने पूछ के यहाँ पे लेकर लगाया है। तो ये उल्टा सुल्टा ये काम भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये सब टैंक वगैरह बनाने में बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, और जहाँ पर पूरी आबादी रहती है वहाँ पर टैंक नहीं बनाना चाहिए, दूर होना चाहिए। और अगर बनाया तो भी इट शुड बी स्मॉलर साइज, एंड देन पूरा फेंस लगाना चाहिए ताकि कोई बच्चे लोग उसके बीच में ना जाए। और ऐसा पहले तो हादसा हुई नहीं, अगर हुआ तो भी उससे जरा संभाल के रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। टूट गया था पानी, सबके घर में गया, तो सारा मुआवजा की बात कर रहे हैं, काफी हमारी सरकार कर रही है। हमने DM से बात किया तो पता किया कि बहुत सारे लोगों का कर रहे हैं और भी करना है, कि जो जिनका डेथ हो गया उनका तब किया है, ऑलरेडी किया हुआ है, तो और भी बहुत कुछ करना है। और मेरे से मांग कर रहे थे कि ये सब उनका घर में सारा एक भी सामान नहीं है, अभी जितना सरकारी की तरफ से क्या हो सकती है वो जरूर करेंगे। इतने दिनों के बाद आपका बोलने का कोई हक नहीं है, मेरा काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, मैं सारा छोड़ के इमीडिएट में आना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली आई एम इन टच विद DM एंड एवरीबडी एंड ऑल्सो मुख्यमंत्री। मुझे मैं कहीं पे रहती हूँ वहाँ से भी मेरा काम होता है, तो मैं आज पर्सनली यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप देर से आए हैं, ये मत बोलो। क्या कि आपका जो जो मुआवजा जो मिलना है वो करवाएंगे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। जो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने, उनका FIR दर्ज करना चाहिए, उनका पनिश करना चाहिए, जो जो इस काम में गलत काम किया है, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उसका बहुत पूरी तरह से जानकारी लेकर उनको पनिशमेंट देना चाहिए, कोई भी हो, भले कोई भी हो वो। हार्ट अटैक का मरीज है, पैरालिस का मरीज है, 8 दिन तक यहाँ पर कोई चमननी की कोई सहायता नहीं हुई है। आज हेमा मालिनी जी आने वाली थी तो पानी भी आ गया, हेमा मालिनी जी आने वाली थी सुबह 8 बजे टैंकर भी आ गए। हाँ, इतने दिन से हम पानी के लिए इधर उधर 17 दिन से भटक रहे हैं हम, कोई हमारी खबर लेने तक नहीं आया, कोई अधिकारी आज दिन तक नहीं आया। आज कम से कम मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पर किसी को दिखता ही नहीं है। दीदी मेरी शादी टूट गई, मेरा आदमी कमाने जाए तो कहाँ जाए, किराए पे लेने जाओ तो 400-500 रुपए दीदी का किराया मांगते। अब ये बताओ, मेरा आदमी इतना दिन भर मेहनत नहीं कर सकता, शाम को ठंडे समय में चलाता है, एक बच्ची मेरी छोटी उसकी स्कूल की फीस तक नहीं भरी जा रही है, हम कब तक चुप रहे हैं ये बताओ। लिख के दो, कितनी बार फाइल बना दी, कितनी बार लिख के दे दिया, अब बताइए हम क्या करें। समस्या रखी, वो बोलेंगे मिलेगा, कब मिलेगा, मरने वाले मर गए, उनको तो मिल गया, अब हम लोगों को भी जहर दे दो, हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चों को मिल जाएगा। मेरा यही कहना है, हम जीते जी मर रहे हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप चल के देखिए, हमारे डब्बे में आटा तक नहीं मिलेगा आपको।